एक बार ऐसी एक कक्षा चल रही थी और उस कक्षा में बहुत सारी बच्चियां थी और कहते हैं जब उन बच्चियों को उनकी जो अध्यापिका थी, उनकी जो आचार्या थी गुरुकुलीय परंपरा में, उसने कहा कि अपनी कॉपी पर लिखो मराठी में, है ना, क्या मैं महान बनूंगी। क्या कहा? मैं महान। कहते हैं जब आचार्या के इस प्रश्न को सुना तो सबने अपनी कॉपी पर लिख दिया। क्या लिख दिया? मैं महान। लेकिन एक कॉपी ऐसी थी जिस पर सेंटेंस अलग था, और सेंटेंस क्या था? मैं महान बनूंगी नहीं, मैं महान हूं। और जानते हो वो कॉपी किसकी थी? नाम था मनुबाई। क्या नाम था बोलो? अच्छा, कोई बच्चा आप में से बता सकता है ये मनुबाई आगे चल करके क्या बने? शाबाश, खड़े हो जाओ बेटे, जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, शाबाश। इस बच्ची का नाम, बचपन का नाम था मनुबाई, लेकिन बड़ी होकर के यही बच्ची क्या बनी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और 22 साल की उम्र में वो कर्तव्य दिखा करके चली गई कि आज तक इतिहास के पन्ने उसके गीत गाते हैं। 1857 में वो गई, ध्यान रखना, और आज क्या चल रहा है? 2000, आप देखना, विचार करना। लगभग लगभग अगर मोटा मोटी हम लेकर के चले तो 170-175 साल का समय तो ये बैठता ही है ना, और 170-175 साल के समय में भी आपको विद्यालय में कविता पढ़ाई जाती है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो। इसका मतलब किसी की उन्नति का, किसी के पुरुषार्थ का, किसी के यश कीर्ति फैलाने का उसकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक 100 साल का व्यक्ति हो गया और वो 100 साल का व्यक्ति भी चारपाई पर बैठ करके हुक्का ही गुड़गुड़ा रहा है, गालियां ही दे रहा है, उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो ऐसी 100 साल की उम्र किसी भी काम की? जोर से बोलो। पर 22 साल की उम्र में अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी मिट्टी के लिए जिसने अपने आप की शहादत दे दी, लगा दिया, झोंक दिया, वो 22 साल की उम्र में भी वो काम कर गई कि आज उस पर कविताएं लिखी जा रही है, भजन गाए जा रहे हैं। उसकी नाटिका, गुजरात के अंदर एक नाटिका हुई थी, एक बार मेरी कथा चल रही थी वहां पर, और उसी के पास वाले पाउस 500 मीटर के ग्राउंड में एक नाटिका झांसी की रानी के ऊपर महाराष्ट्र वालों ने तैयार की, तो पता लगा कि वो 7 दिन की नाटिका जिसकी कॉस्ट थी 5 करोड़ रुपए, कितने? 5 करोड़ रुपए। और 5 करोड़ रुपए लगा करके आयोजन वाले क्या दिखा रहे हैं? 22 साल की एक लड़की ने भारत देश के लिए क्या किया, आप सोचो। तो आयु का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा, आप अभी बच्चे हैं, पर बच्चों के अंदर ये जो उत्साह पैदा करने का भाव है आर्य समाज से, एक पूरा खालसा का, ये इसीलिए है कि पता नहीं किस बच्चे के मन में कौन सा संस्कार कब जाग जाए, और आप में से ही कोई बच्चा ऐसा निकल जाए जो इस गांव का नाम, इस विद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम दूर तक पहुंचा दे। अभी गेम चल रहे हैं ओलंपिक के, और ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कैमला गांव का नाम सुना है आप लोगों ने? किस किस ने सुना है? अच्छा, कई बार हम, हाथ नीचे कर लीजिए, कई बार हम ऐसी घटनाएं पढ़ते थे वहां पर, उस लड़के ने लट बजा दिया, उसने उसको गोली मार दी, उसने उसको ये कर दिया, है ना। तो मैं एक दिन सोच रही थी, मैं अपनी माता जी से बोल रही थी, मैंने कहा बचपन में जब कैमले गांव में आते थे तो यूपी में जाकर के मैं अपनी कक्षा में चर्चा करती थी, मैंने कहा ये यूपी तो बहुत गंदा है, हरियाणा बहुत अच्छा है, और हरियाणा में भी अगर सबसे अच्छा कोई है तो मेरे मामा का गांव है कैमला गांव। पर मैंने कहा ये पता नहीं कैसी युवा पीढ़ी निकल गई जिन्होंने इतना ज्यादा उत्पाद मचा दिया कि अब यहाँ पर रोज लड़ाई झगड़े रहते हैं। लेकिन परसों मैं दुबई के अंदर थी और जब मैंने अपना मोबाइल खोला, इंटरनेट पर देखा कि कैमले का एक लड़का जिसने नाव के लिए, है ना, मेडल जीता है। अच्छा, एक बात बताना,
पता लगा कि जब ये पढ़ते हैं कि हमारे उसी गांव का कोई बच्चा और ओलंपिक में जाकर के भारत देश के लिए मेडल लेकर के आ गया, तो शान की बात होती है कि नहीं होती है, गर्व की बात होती है कि नहीं होती है। अच्छा, आपके हरियाणा में करनाल जिले में कोई कैमला गांव है, ये पूरी दुनिया को पता लग गया कि नहीं लग गया? बोलो, पूरी दुनिया को पता लग गया। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां बजाओ। अब आप विचार करना, चिंतन करना कि ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, ये जो उत्साह आप में भरा जा रहा है, ये इसलिए भरा जा रहा है कि अगर कैमला गांव में ये घटना घट सकती है, इतनी अच्छी जो पूरे गौरवान्वित करने वाली घटना है, तो ये शेखपुरा में भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बोलो, यहाँ के भी बच्चे ओलंपिक तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? यहाँ के भी बच्चे मेडल ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? और ये केवल गेम की बात नहीं है, ये केवल एक फील्ड की बात नहीं है, आप किसी भी फील्ड में अपने झंडे गाड़ सकते हैं। बस आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए, और वो चाह कौन सी होनी चाहिए, जो आपने अभी कहा कि आज अगर यहां तक ये बच्चे पहुंचे हैं तो कल को हम भी यहां तक, जोर से बोलो, बस ये उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, ये उमंग आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि ये उत्साह, ये उमंग जिसके अंदर, जिसको पता है ना, एक होती है भोजन की भूख। अच्छा, जब भूख लगती है तो व्यक्ति के मन में क्या आता है, हमारे मन में क्या होता है, मुझे खाना। जोर से बोलो, आपको बहुत तेज भूख लगी है और आप घर पे गए, घर पे आपने बैग को रखा एक तरफ और तुरंत चिल्ला करके बोला मम्मी से, मुझे खाना। अच्छा, मम्मी बोल दे कि बेटे अभी थोड़ी देर रुको, अभी मैं कुछ बना रही हूं, है ना? तो भी आप क्या कहोगे, नहीं नहीं नहीं, रुकने का समय नहीं है, मुझे बहुत तेज तो मुझे खाना, बस दैट्स इट। जैसे भूख लगने पर एक भाव मन के अंदर जागता है कि मुझे खाना चाहिए, तो मतलब चाहिए, वैसे ही व्यक्ति के अंदर एक भूख होनी चाहिए उसके लक्ष्य की। आप एक लक्ष्य बनाइए अपना, जीवन का कोई भी लक्ष्य। किसी बच्चे के अंदर भूख जागी कि मुझे एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, यह भी तो भूख है ना? और जिसके अंदर जाग गई कि मुझे एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है। मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में कानड़ एक जगह है और मैं वहां पर कार्यक्रम में जाती हूं। वहां पर हमारे एक भैया हैं नागर जी का परिवार, जिनके परिवार में मैं ठहरती हूँ, वो बहुत बड़े वकील हैं वहां के। उनकी दो बेटियां शिवामी और नमामी, मध्य प्रदेश की जो एजुकेशन है उसके मुकाबले हमारे यहाँ की एजुकेशन थोड़ी हार्ड है, अच्छी मानी जाती है। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे और बैठे बैठे चर्चा चल रही थी, तो मेरी आदत है बच्चों से बात करने की, मैंने पूछा बेटे क्या बनना है बड़े होकर? उसने कहा डॉक्टर। किचन में उसकी मम्मी कुछ बना रही थी, वो तुरंत हंसने लगी और वो हंस करके बोली, दीदी देखो तो सही, ये डॉक्टर बनेगी, पढ़ने में बिल्कुल रद्दी, इसको याद नहीं रहता कुछ भी, हमें इसके पीछे पढ़ना पड़ता है तब जाकर के ये चीजों को याद करती है। मैंने कहा हंसने की जरूरत नहीं है, अगर ये शिवामी ठान ले, इसका नाम में शिव आता है, और शिव शब्द का अर्थ जानते हो क्या है? कल्याण करने वाला, कल्याण करने का भाव होना चाहिए। तो मैंने कहा अगर इसके मन में आ गया, वेद में मंत्र आता है तन में मना शिव संकल्प मस्तु, भगवान मैं ऐसा संकल्प लूं, मैं ऐसा वचन लूं अपने आप से कि मैं कहीं ना कहीं उसको कल्याणकारी बना सकूं। तो मैंने कहा अगर इस बच्ची ने ठान लिया और ये ठान ली कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मेहनत करना शुरू कर दे और करती चली जाए, करती चली जाए, तो एक दिन बन जाएगी डॉक्टर। तो लड़की ने कहा मैं बन जाऊंगी? मैंने कहा बिल्कुल बन जाओगी, क्या आप आशीर्वाद दे दो मुझे? मैंने कहा बेटे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ में है। मैंने कहा मेहनत करनी है बस। अब पता लगा कि उस बच्ची ने मेहनत करनी शुरू की। अगले वर्ष जब मैं गई तो उसके माता पिता का कहना था, जी इसमें तो चमत्कार सा हो गया, आपका आशीर्वाद फलीभूत हो गया।
मैंने कहा मैं कोई बाबा तो हूं नहीं जो चमत्कार कर दिया, मैंने नल का पानी पिला के चमत्कार कर दिया हो, या कोई भभूत छिड़क के चमत्कार कर दिया हो, या मेरे हाथ से किरणें निकल रही हो, वो जैसी फिल्मों में नहीं निकलती आशीर्वाद की किरणें, ऐसी कोई किरण भी नहीं निकल रही मेरे हाथ से। ये तो इसकी अपनी मेहनत है, इसकी अपनी चाह है। मैंने कहा आप एक काम करो, इसको गुरुकुल में करा दो, आप हरियाणा में हमारे यहाँ पर चमन वाटी का सीबीएसई पैटर्न से गुरुकुल चलता है, वहां पर करा दीजिए, आचार्य देवव्रत जी का गुरुकुल है। टेस्ट में फेल, किसी तरह से आचार्य जी से बात करके लड़की को कहा कि इसकी इच्छा है कुछ करने की, आचार्य जी एक बार देखो इसको थोड़ा सा, एडमिशन जैसे तैसे करके हुआ। आज वही लड़की है, मैं आपको बताऊं, उसके टीचर उसकी तारीफ करते हैं, उसके प्रिंसिपल उसकी तारीफ करते हैं, उसके माता पिता उसकी तारीफ करते हैं। एक वर्ष तक ध्यान रखना है, वहां का भोजन अलग, यहाँ का भोजन अलग। जो लड़की अपने घर में 9 बजे उठती थी, वो गुरुकुल में कितने बजे उठ रही है? 4 बजे। जिस लड़की को उसकी दादी ने, उसके दादा ने, उसके पापा ने, उसकी मम्मी ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, उस लड़की ने वहां पर पिटाई भी सही, डांट भी सही, सब कुछ सहा, आज 4th साल उसको लग रहा है, जैसे कहते हैं ना पूरी धरती पलट देना, अपने जीवन की पूरी पृष्ठभूमि को पलट करके रख दिया उस लड़की ने। और उसका लक्ष्य क्या है? केवल और केवल, जोर से बोलो, ये होती है भूख बेटा। आपके अंदर भी अगर ये भूख जग गई, मुझे डॉक्टर बनना है कि मुझे इंजीनियर बनना है कि मुझे नेता बनना है कि मुझे ओलंपिक तक पहुंचना है, या मुझे कुछ भी ऐसा करना है अपने जीवन में जिससे मेरे जाने के बाद या मेरे रहते कम से कम मेरे माता पिता मुझ पर गर्व कर सके, मेरा विद्यालय मुझ पर गर्व कर सके, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसी मेहनत में अपने जीवन में करूं कि ये सब मुझ पर गर्व कर सके। अगर ये संकल्प आपने ले लिया तो इस संकल्प को पूरा करना कोई बड़ी बात, बोलो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि किसी कवि ने कहा था कि बहती नदी की धार से ठंड नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ कर लाओ तो तुम इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। जितना भी व्यक्ति बड़ा होता चला जाता है, ये मानना कि वो कुछ जल चुका है, कुछ जलना शेष है, पर आप लोग अभी केवल भीगी हुई बाती, केवल, और बस आपको एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता है। अगर वो चिंगारी आपके जीवन में जल गई तो आपकी उन्नति को कोई भी रोक नहीं सकता।